हाय सर। हाय सर। हाय, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा क्योंकि आपने ऑल इंडिया 7th रैंक लाए हैं, और जिसे कहते हैं ना असली दिवाली, तो आपकी एक्चुअल में दिवाली के पहले ये जो न्यूज थी शायद आपकी असली दिवाली बना दी। तो मुझे बहुत खुशी है, आशीष हमारे एक स्टूडेंट हैं जो कि ऑनलाइन स्टूडेंट हैं और दिल्ली से हैं। तो आशीष बहुत बहुत बधाई हो तो आपको आपकी 7th रैंक के थैंक लिए। आशीष, मैं यू। ये जानना चाहता हूँ कि आपकी, देखिए आपने ऑनलाइन पढ़ाई की, दिल्ली जैसी सिटी से हैं आप, तो ये रैंक आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जब तक रैंक नहीं आई थी, जब तक हम एक नॉर्मल इंसान रहते हैं, पर एक अचीवमेंट हमें एक सेलिब्रिटी बना देता है। तो जैसे मैं ले रहा हूँ, वैसे आप अपने घर के, परिवार के, रिलेटिव्स के आसपास में एक सेलिब्रिटी जैसे बन गए होगे। तो ये अभी जो पिछले 3-4 दिन से आपकी लाइफ है, इसमें आप कैसा फील कर रहे हैं? सर पहले तो रिजल्ट इन्होंने बहुत लेट करा आने में। 6 को आना था, 12 को आया। तो रिजल्ट जैसे जैसे आया, जिस दिन रात को रिजल्ट देखा मैंने, तो मतलब काफी मुझे खुशी हुई। मुझे मतलब इतना नहीं था कि मेरी 7 आ जाएगी। हाँ, मुझे ये था मेहनत करी अच्छी रैंक आएगी, पर 7 की उम्मीद नहीं थी। फिर वही मैं सबको पता लगा, फिर कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज आया, काफी अच्छा लगा मुझको। मतलब फिर मतलब जूनियर्स के मैसेज आया मेरे पास, क्या करना है, कैसे करना वगैरह वगैरह। जी, तो ये अभी एक्चुअल में सेलिब्रिटी वाली लाइफ है आपकी जो अभी चल रही है, और मैं आपको एक बात बोलूंगा कि इस लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि ये जो यस सर। अचीवमेंट है ना, ये स्टार्ट अचीवमेंट है। अभी आपको आगे बहुत सारे अचीवमेंट होंगे आपके लाइफ में, एक अच्छा जॉब, अच्छी ऑफर, ये सब, पर उसकी ये स्टार्टिंग है। तो इसको जितना सेलिब्रेट करोगे उसको आप उतना ही समय तक याद रखोगे, और आपको याद रहेगा कि मुझे जो एक 7th रैंक मिली थी और उस समय मेरे को जो सेलिब्रेशन मिला था या लोगों ने बधाइयां दी थी, इसको मुझे कायम रखना है। तो कहीं ना कहीं बैकअप माइंड में आपकी ये बात हमेशा रहेगी, और ये बात आपके सक्सेस में बहुत काम आने वाली है। तो मैं ये बात आपको जरूर बोलूंगा कि इसको, इस समय को एंजॉय करो। ये जरूर है कि इस बार निम सेट ने, कोविड ने बहुत सारी सिचुएशन को डिफरेंट कर दिया, हर चीज लेट होती गई, तो बड़ा टफ टाइम था। तो ये एक अच्छा समय है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए ये जो आपका सेशन है, ये बच्चे जूनियर भी देख रहे होंगे, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, बच्चे सबसे ज्यादा ये जानना चाहते हैं कि रूटीन क्या होता था पढ़ाई का, क्योंकि जो 7th रैंक लाया होता है तो हर बच्चे के मन में होता है कि ये भैया जो 7th रैंक लाए हैं, इनकी रैंक कैसे आई, ये पढ़ाई कैसे करते थे, टेस्ट पेपर कैसे देते थे, डिसिप्लिन लाइफ में क्या था। ये चीज मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को बहुत डिटेल में बताएं। हाँ, मैं इसे अच्छे से बताता हूँ। मैंने 19 जुलाई 2019 से पढ़ाई शुरू करी थी। मैंने पेन ड्राइव आ गई थी मेरी, तो मेरे पास डेट पता था मुझे कब करी। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर ने बता रखा है कि हमें इससे सीक्वेंस से चैप्टर पढ़ने चाहिए, जैसे क्वाड्रेटिक, फिर एपीजीपी, फिर प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन, ऐसा कुछ। तो अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ प्रोबेबिलिटी का। तो जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा, तो सबसे पहले मैंने सर की वीडियोज देखी और एनसीईआरटी को देखी साइमल्टेनियसली। मतलब जैसे 4 वीडियो देखी, फिर एनसीईआरटी का पार्ट कर लिया। ऐसे ऐसे मैंने एनसीईआरटी और वीडियोज खत्म करी। तीसरे, फिर मैं अरिहंत की बुक है, अरिहंत कंप्लीट पैकेज, उससे पढ़ता था मैं। तो जब मैंने वीडियोस खत्म कर ली, एनसीईआरटी खत्म कर ली, तब मैं अरिहंत की बुक करता था। अब जैसी वीडियो देखी, तो सर ने जो फॉर्मुले बताए वो मैं पीछे लिख लेता था कॉपी के, और सेम जो अरिहंत की बुक थी उसमें भी कुछ फॉर्मुले होते थे, तो उसको भी एडिशनल ऐड कर लेता था। अब मैंने जैसे अरिहंत पे 200 क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के, तो मैंने 200 के 200 कर लिए। मैंने एनसीईआरटी कर ली और सर की वीडियोज में खूब क्वेश्चन थे वो भी कर लिए। ये तीन चीजें होने के बाद, ये तीन चीजें हुई अभी, एनसीईआरटी, वीडियोज एंड अरिहंत की बुक। इसके बाद चौथी चीज जो मैं करता था वो टेस्ट करता था। अब मेरे पास मेल पे टेस्ट आते थे हमेशा, तो मैं हमेशा उनको देता था। अगर टेस्ट मुझे लगता है टाइम लगा के देना चाहिए तो मैं टाइम लगाता था, वरना नहीं, सिंपल अगर 30 क्वेश्चन है तो मैं बिना टाइम के कर लेता था। ये 4 चीजें हो गई। अब पांचवी चीज जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ वो ये है कि पिछले 4 साल के निमसेट के पेपर जो है ना, उसमें से जो तुमने टॉपिक किया है उसके क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करो। ये 5वां स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होता क्या था कि मैंने जैसे प्रोबेबिलिटी करी, अब पिछले 4 साल के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन निकाले मैंने और उनको सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मुझसे वो सॉल्व हो गए तो मतलब मेरी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है एकदम, और मतलब मूड लिट अच्छा रहता था उससे। अगर सॉल्व नहीं हुए तो मैं देखता था कहाँ गलती हो गई, क्या है। तो ये मेरा पूरा शेड्यूल था। ऐसे मैंने हर एक चीज सॉल्व करी है, हर एक टॉपिक। टॉपिक कवर करें, ओके। और सबसे पहले जी तो आपने स्टार्टिंग, क्योंकि इम्पीटस गुरुकुल की पेन ड्राइव ली थी, जब लाइव क्लास था भी नहीं, लाइव क्लास तो बाद में आया, तो पेन ड्राइव से पूरा पढ़ने के बाद और लाइव क्लास और ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद क्या चेंज फील किया? सर मतलब लाइफ में तो काफी अलग था, पेन ड्राइव का काफी अलग था। मुझे बैठना पड़ता था समय पे, जैसे 11 बजे क्लास शुरू हो तो 11 बजे ही बैठो और दो। पेन ड्राइव में ये था कि मेरी अपनी मर्जी में कभी भी बैठू। अब कुछ बच्चे इसमें ढीले पड़ जाते हैं कि कुछ पढ़ाए नहीं 2-4 दिन से, तो वो नहीं था लाइफ में, ऐसा हाँ, होता अभी था। अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि क्या होता है, कुछ बच्चे पेन ड्राइव लेते हैं, कुछ लाइव लेते हैं, कुछ दोनों लेते हैं। तो पेन ड्राइव वाले बच्चों को कभी कभी ये इशू आता है, तो वो लाइव के साथ ये इशू खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको एक डिसिप्लिन रखना ही पड़ता है। पेन ड्राइव के साथ जी अकेले ये चीज है कि सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ता है।
दूसरा जब ये कोविड की कंडीशन आई और काफी टफ टाइम था, और इनफैक्ट दिल्ली में तो सिचुएशन काफी वैसी थी, तो इस नेगेटिव टाइम में भी अपने आप को कैसे पॉजिटिव बनाए रखा और किस ढंग से पढ़ाई की? क्योंकि ये एक ऐसा समय है जो शायद अब किसी और जनरेशन को कब मिलेगा देखने को पता नहीं, तो इस टफ टाइम में आपने अपने आप को कैसे मैनेज करा, टाइम टेबल कैसे मैनेज किया, ये मैं जरूर चाहूंगा कि आप बच्चों को बताओ। सबसे पहले तो ये कोविड का समय बहुत ही ज्यादा मतलब मेरी लाइफ का और सबकी लाइफ का बहुत बुरा समय था। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी 6.5 CGPA नहीं थी, जो मुझे बनाने में बहुत दिक्कत हुई। मतलब ये था कि एक बारी को निम्सर क्या करना मेरे लिए इजी था, जो मैं समझ चुका था, लेकिन 6.5 बनाना मेरे लिए बहुत टफ था। तो 6.5 CGPA बनानी थी, मुझे मजबूरी में कॉलेज जाना पड़ता था, और ऊपर से वायरस हो रहा था, पेपर पोस्टपोन हो जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो इन सबके बीच में कुछ नहीं करा, मैं बैठा रहा, मैंने अपने दिमाग से पहले थॉट्स निकाले, आप कुछ नहीं कर सकते, पोस्टपोन होता रहेगा, कोई बात नहीं, बैठ के पढ़ाई करी। मैंने अपना पेन निकाला, कॉपी निकाली, लिखना शुरू किया कि मुझको अगले हफ्ते में करना क्या है। मतलब ये चीज मैंने पूरे साल भर करी है, और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अभी भी मेरे पर लिखी पड़ी है, जैसे इसमें लिखा है कि मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि मैंने 21 जनवरी को वेक्टर का काम किया था, तो ऐसे मैंने हर चीज का लिखा है, अप्रैल, मार्च, मई, पूरा सब कुछ। गोल बनाने से फायदा होता है हमें काफी। मतलब एक टाइम टेबल था जो आप फॉलो करते थे और उसमें बहुत फायदा मिला। अच्छा, एक और चीज है कि जो इम्पिटस में, क्योंकि बहुत टेस्टिंग होती है, तो इन टेस्ट पेपर्स का क्या रोल आपके इस रैंक में रहा, ये जरूर बताइए। क्योंकि कई बार बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, क्लास भी अटेंड करते हैं, पर कभी कभी टेस्ट सीरीज को लेकर बहुत कम सीरियस होते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरा स्ट्रांग बिलीव है कि क्लास जितनी इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा टेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट है, और किसी भी बच्चे को कोई टेस्ट पेपर नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप इसमें अपना जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉक नहीं दिया तो कुछ नहीं होगा। मेरे साथ के दोस्त बैठे हैं जिन्होंने पढ़ा तो पूरा 1-1.5 साल से, लेकिन उनका हुआ नहीं, उन्हें मॉक दिया ही नहीं थे। मैंने अपने पूरे 1 साल मतलब मॉक मैंने देना शुरू किया था अप्रैल से, तब से मैंने 120 करीब मॉक दिए, उसमें से आधे से ज्यादा इम्पिटस के, बाकी अरियंत की एक और बुक है प्रीवियस ईयर उससे दिए, और कुछ इधर उधर से दिए। तो मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या था, मेरा ना मार्च में कोनिक सेक्शन रह गया था पूरा जी, मेरे पास समय कम था, तो तब मुझे पता नहीं था कि वायरस इतना फैल जाएगा कि अक्टूबर में होगा पेपर, तो मुझे कोनिक सेक्शन पूरा छोड़ना पड़ा मजबूरी में, वो मेरी मजबूरी थी। लेकिन फिर वायरस से पोस्टपोन होता गया, और मुझे मैंने मॉक देना तो मेरा कोनिक सेक्शन स्ट्रांग बन गया। हालांकि कोनिक सेक्शन मैंने ऐसे नहीं पढ़ा कि पहले एनसीईआरटी फिर अरियंत फिर वीडियो वगैरह, मैंने सिर्फ और मॉक के थ्रू पढ़ा, और कोनिक के मैंने हर एक क्वेश्चन करा मैंने निम्सर 2020 में। तो मॉक इसलिए इंपॉर्टेंट है काफी। हाँ, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वो मॉक देने से हमें अपनी क्लियरिटी हाँ। भी आती है, और कई बार टॉपिक पे जो कमांड नहीं आ रहा, आई थिंक मॉक से कमांड आ जाता है। हाँ, बिल्कुल वही है ना। चलो, बहुत अच्छा लगा आशीष आपका इंटरव्यू लेके, और अब बहुत जल्दी आपको भोपाल भी आना है, हम लोग अवार्ड सेरेमनी रखेंगे जैसे ही फाइनलाइज होता है, और आप इस समय को खूब इंजॉय करो। आपको और आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली। हमेशा लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो, और अभी आपने स्टार्ट किया है, अभी ये सेलिब्रेशन आपको अपनी होल लाइफ बनाए रखना है, तो उसका एक ही तरीका है कि कभी भी पीछे मुड़के नहीं देखना, और बहुत पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़िए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। एंड लास्ट मैसेज आप तो इम्पिटस के जूनियर बच्चों को देना चाहें तो बोलिए। अच्छा, मैं पहले बता देता हूँ, अगर मेरी ऑल इंडिया 7 है, तो आप लोग देख रहे हो कि इसकी ऑल इंडिया 7 है, तो ऐसा मत सोचना कि जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजी है ये मेरे लिए वर्क कर गई, हो सकता है आपके वर्क ना करे, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे मॉक तो देने ही देने हैं, और मतलब जो तुम पढ़ रहे हो ना, एक बुक ले लो और उसको पढ़ते रहो, ऐसा नहीं कि 3-4 बुक पढ़ लिया और उसे मतलब आधी आधी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। एक बुक पढ़ो और उसे सॉल्व करते रहो, बाकी मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है इस पूरी वीडियो का। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।